एवरीवन, मेरा नाम है दीप्ति एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, अगर आपके भी पिंपल्स, एक्ने, ओपन पोर्स जैसी प्रॉब्लम है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आप मेरे पहले वाले वीडियोस देख चुके हैं तो आपको पता ही होगा कि मेरा स्किन बहुत ज्यादा ऑयली एंड मेरे स्किन पे पिंपल्स, एक्ने, ओपन पोर्स ये सब कुछ चलता ही रहता है। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा पिंपल स्टार्ट हो गया है बिकॉज मैंने कल ही बहुत सारा जंक फूड खाया था, सो इट इज बिकॉज ऑफ दिस। जब बात आती है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के बारे में, हमारे दिमाग में सबसे पहले जो नाम आते हैं वो आता है नीम, तुलसी, एलोवेरा, क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स पिंपल एक्ने प्रोन स्किन पे बहुत अच्छा काम करते हैं। और जब मैं अमेजोन पे गई थी इस तरह के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट्स ढूंढ रही थी, तब मैंने देखा कि बेला वीटा ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी अच्छा ट्रेंड कर रहे हैं। स्पेशली इनके एंटी एक्ने जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी, उनके लगभग 2000-3000 पॉजिटिव रिव्यूज थे, तो मुझे लगा डेफिनेटली इनको मुझे ट्राई करना चाहिए। तो मैंने इनका लिया एंटी एक्ने कॉम्बो, जिसमें मुझे मिला ये एंटी एक्ने फेस वॉश और एक एंटी एक्ने जेल। तो इन दोनों ही प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए लगभग मुझे 20-25 दिन हो गए होंगे, तो आज की वीडियो में बताऊंगी कि एक्चुअली ये प्रोडक्ट मेरे फेस पे काम करे या नहीं करे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली काफी ज्यादा यूजफुल अगर आपके भी ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन है। सो ये जो एंटी एक्ने फेस वॉश है उसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से, इस तरह की वाइट प्लास्टिक पंप बॉटल में ये प्रोडक्ट आता है। इसमें जो क्वांटिटी मिलती है वो है 100 ml और इसका जो MRP है वो है 299। इसकी शेल्फ लाइफ है 2 years एंड ये दोनों ही प्रोडक्ट इनफैक्ट मैंने अमेजोन से लिए थे, तो मुझे बहुत अमेजिंग डिस्काउंट भी मिले। सारे जो लिंक्स है परचेज लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कॉम्बो में आता है एंटी एक्ने फेस जेल एंड इसकी पैकेजिंग मुझे सच में बहुत ही पसंद आई। इस तरह की ग्लास बॉटल में ये प्रोडक्ट आया है एंड इसके अंदर 50 grams ऑफ प्रोडक्ट मिला है। इसका जो MRP है वो है 399। शेल्फ लाइफ अगेन इसकी 2 years ही है एंड दोनों, क्योंकि ये दोनों ही प्रोडक्ट एज अ मैंने कॉम्बो लिए थे अमेजोन से, तो मुझे बहुत ही अमेजिंग डिस्काउंट पे मिले। जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इन दोनों प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स एंड मैंने देखा कि इन दोनों ही प्रोडक्ट में जो की इंग्रेडिएंट्स है वो लगभग 5 ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम है इन दोनों प्रोडक्ट्स में। एंड जो पहला इसमें की इंग्रेडिएंट है वो है नीम एंड नीम जैसे कि सभी को पता है ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए कितना अच्छा रहता है। मतलब मैंने तो ऐसे बहुत ही सारे DIY फेस मास्क, फेस पैक्स ऐसे बहुत सारे बनाए हुए हैं जिसमें मैंने नीम को इंक्लूड किया हुआ है। एंड क्योंकि नीम जो है उसमें एंटीसेप्टिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो कि पिंपल्स को ड्राई आउट करता है और आने से रोकता है, स्पेशली जो आपके पोर्स हैं उनको अनक्लॉग करता है, ऑयलीनेस को भी रिड्यूस करता है। तो सेकेंड जो की इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट्स में है वो है तुलसी एंड तुलसी बेसिकली डिटॉक्सिफाइंग का काम करता है। अगर आप सुबह उठ के 2 पत्तियां खा लो तुलसी की तो वो आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको फ्लश आउट कर देता है। साथ ही साथ अगर आप अपने फेस पे इस्तेमाल करते हैं तुलसी तो आपके फेस को बहुत अच्छे से क्लेंस करती है, आपके फेस में जितने भी डर्ट होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं उसको बहुत ही अच्छे से रिमूव करती है। बट इसका इंग्रेडिएंट है वो मेरा पर्सनल फेवरेट इंग्रेडिएंट है, वो है टी ट्री एंड सीरियसली दिस इज अ वेरी मैजिकल इंग्रेडिएंट बिकॉज अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं, एक्ने हैं तो टी ट्री उनको ड्राई आउट करने का बहुत अच्छा काम करता है एंड साथ ही साथ जितने भी ऑयलीनेस होता है स्किन पे उसको भी बहुत ही अच्छे से रिड्यूस करता है। इंग्रेडिएंट इसका वो है विलो बार्क एंड मेरे लिए ऑनेस्टली एक डिटी डिस्कवरी थी बिकॉज विलो ट्रीज मुझे पता है कि काफी अच्छे होते हैं, इसके बहुत सारी जड़ी बूटियां बनती है इससे, पर मुझे ये नहीं पता था कि विलो बाग में नेचुरल सैलिसिलिक एसिड होता है एंड सैलिसिलिक एसिड आपको पता ही है ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है बट वो केमिकल बेस्ड है। बट विलो बाग के अंदर होता है नेचुरल सैलिसिलिक एसिड जो कि आपके पोर्स के अंदर जितनी डर्ट बैक्टीरियाज होते हैं उसको ये बिल्कुल निकाल देता है ताकि आगे चल के जो पिंपल्स हैं, एक्ने हैं वो बिल्कुल ना बने। इसका जो की इंग्रेडिएंट है वो एलोवेरा, अगेन दिस इज अगेन माय फेवरेट इंग्रेडिएंट बिकॉज एलोवेरा क्या करता है स्किन में जितनी भी इन्फ्लेमेशन होती है स्पेशली एक्ने की वजह से जो लाल हो जाता है स्किन तो उसको बहुत अच्छे से सूद आउट करती है, स्पेशली स्किन को बनाती है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट क्योंकि मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी। ऑल्सो जो ब्रांड ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल्स नहीं जैसे कि पैराबेन, सल्फेट, हार्ड डिटर्जेंट, सो इस तरह की कुछ भी इसमें चीजें नहीं है विच इज लाइक अ वेरी गुड थिंग। इन दोनों ही प्रोडक्ट को यूज करते हुए लगभग 20-25 दिन मुझे हो गए हैं एंड स्पेशली ये जो फेस वॉश है मैं इसको यूज करती हूँ दिन में 3 बार, एक बार सुबह मॉर्निंग में और एक बार आफ्टरनून में और एक बार रात में। सो आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह से जेल बेस्ड है, इसका लाइट ग्रीन कलर है। फ्रेग्रेंस की बात करूं तो ये इसका जो फ्रेग्रेंस है उसमें टी ट्री की बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। तो इस फेस वॉश से इस तरह से झाग बन जाती है, इससे मैं अपने फेस पे इस तरह से मसाज करती हूँ तो इसकी जो झाग है मैं लगभग 30-40 सेकंड के लिए अपने फेस पे इस तरह से मसाज करती रहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है अगर आप अपने फेस पे थोड़ी देर रखते हैं प्रोडक्ट तो ही ये बहुत अच्छे से वो काम करते हैं और उसके बाद मैं नॉर्मल वाटर से इसको वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के तुरंत 1 घंटे बाद ही मेरे फेस पे काफी ज्यादा ऑयल आ जाता है बट जब से मैं इस फेस वॉश को यूज कर रही हूँ जो ऑयलीनेस था मेरे फेस पे वो काफी अच्छे से कंट्रोल हो गया है एंड उसकी वजह से मैंने देखा कि जो पिंपल्स एंड एक्ने जो बहुत जल्दी जल्दी हो जाते थे वो भी बहुत अच्छे से कंट्रोल हो गए हैं।
सो ये जो फेस वॉश है मुझे सच में बहुत ही पसंद आया, बिकॉज इसके एक तो किसी भी तरह की कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, साथ ही साथ मेरी स्किन को बहुत अच्छे से सूट किया है। सो इसको यूज करने के तुरंत बाद मैं लगाती हूँ अपने फेस पे ये एंटी एक्ने फेस जेल, एंड एज यू कैन सी इसकी जो कंसिस्टेंसी अगेन वो भी जेल बेस्ड है, तो ये स्किन पे बहुत ही ज्यादा लाइट रहता है एंड ये अच्छा काम करता है एज अ मॉइस्चराइजर। तो अगर आपका स्किन ऑयली भी है तो एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करना बहुत ही जरूरी है, एंड क्योंकि ये जेल बेस्ड है इस तरह से तो ये स्किन पे बहुत ही अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाता है। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने पूरे फेस पे इस तरह से लगाती हूँ और बहुत ही हल्के हाथों से इस तरह से मसाज करती हूँ, एंड मसाज करते ही ये बहुत ही अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाता है मेरे स्किन पे, किसी भी तरह का कोई चिपचिपापन या कोई ग्रीसीनेस बिल्कुल भी नहीं छोड़ता मेरे फेस पे, एंड मेरा स्किन बिल्कुल मैट फिनिश देता है। तो ये जो फेस जेल है मेरी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज तो कर ही रहा है, पर साथ ही साथ जितने भी इसके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी वजह से मेरे, क्योंकि ये फेस पे 3 से 4 घंटे के लिए फेस पे लगा रहता है तो मेरे फेस पे जो ऑयलीनेस है उसको भी कंट्रोल कर रहा है, साथ ही साथ साथ में जो पिंपल्स एंड एक्ने यू नो स्पेशली जो पस वाले होते हैं जो बहुत परेशान करते हैं उसको भी बहुत ही हद तक कंट्रोल किया है इसने, साथ ही साथ फेस में जो पोर्स थे उसको भी रिफाइन किया ताकि ब्लैक हेड व्हाइट हेड वाली जो परेशानियां होती रहती है ऑयली स्किन वालों को वो भी काफी हद तक कंट्रोल हो जाए। तो ओवरऑल तो मुझे लगता है कि दोनों में कॉम्बिनेशन जब से ये यूज कर रही हूँ मेरे स्किन को ये बहुत अच्छे सूट कर रहा है, एंड एज यू कैन सी मेरा स्किन बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है इन दोनों को यूज करने के बाद, एंड एज अ कॉम्बो ही यूज करना चाहिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है एक्ने प्रोन है तो इन दोनों ही कॉम्बो को आप यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया, पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मैं आपसे जल्द मिलती हूँ एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।